let's start. I welcome you all once again. Thank you so much. And let's start this beautiful, beautiful opportunity. कि वो है क्या, वो business है क्या, friends? है ना? So ये new age 21st century का business है. But आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा और husband के बारे में बताऊँ. मैं अलीगढ़ से हूँ एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोकेमिस्ट्री एंड करीबन 20 साल मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल में काम किया. सिंस माय हस्बैंड इज इन आर्मी तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है बाय गॉड्स ग्रेस इन एवरी स्टेशन आई हैव यू नो मैंने स्कूल्स में काम किया है एंड मैंने गेट स्कॉलरशिप जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड इन द टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एक स्कॉलरशिप एग्जाम है. थ्रू आउट आई हैव बीन मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं थी पढ़ने में पर बुरी भी नहीं थी, मीडियोकर थी, बट हमेशा से सीखने का जज्बा रहा है और मेहनत करने का. आई हैव बीन अ वेरी हार्ड वर्किंग, मैं ये गर्व से कहती हूँ कि आई एम वेरी परसिवरेंट, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल और अपने बलबूते पे मैं हूँ. वो मैं अपने बलबूते ऑब्वियसली गॉड का ब्लेसिंग रहा है बट यस आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन. ओके एंड स्पोर्ट्स वुमेन भी रही मैं, मेरे को बैडमिंटन खेलने का बहुत अभी भी मैं खेलती हूँ एंड स्विमिंग. सो आई रिप्रेजेंटेड नेशनल्स एंड हस्बैंड के बारे में बताऊँ, ये ही इज फ्रॉम पिथौरागढ़ एंड ही इज एन आर्मी, ही इज अ कर्नल and 30 years उन्होंने serve किया है, देश की सेवा की है and is the fourth generation officer and मेरे father-in-law वो deputy commandant CISF से retire हुए and हम दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से and he is also a sportsman throughout रहे and golf, he is a avid golfer, बहुत बढ़िया golf खेलते हैं and कई सारे championships भी जीते हैं. so but हमारे दिल में हमेशा से यू नो इन सब के बावजूद भी एक दिल में हमेशा से रही है कि हम कुछ सोसाइटी के लिए करें, सर्व करें. सोसाइटी के लिए हम काम तो कर रहे हैं बट उससे भी ज्यादा कुछ हम करें जो कि ये तो हम अपना जॉब कर रहे हैं, दिस इज हम पर्सनली भी बेनिफिट कर रहे हैं बट हम कुछ इस तरह से करें कि हम सोसाइटी को कुछ देके जाए, यू नो. सो चैरिटी के तौर पर सो दिस बिजनेस हैज रियली हेल्प मी एंड हेल्प अस एंड आगे भी बहुत मदद करेगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. सो हमें अपना बिजनेस, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले किसी से बात करी थी तो उन्होंने बोला हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते. ऑब्वियसली मिडिल इनकम के पास कहाँ इतना पैसा होता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने सोचना पड़ता है बिकॉज 50-60 लाख तो कहीं नहीं गए. एक जगह चाहिए, एक दुकान खड़ी करनी है, उसके बाद सामान लगाना है, फिर गवर्नमेंट के यू नो लाइसेंसिंग, बहुत सारे उसके एसोसिएटेड यू नो प्रॉब्लम्स आ देयर, मतलब चैलेंजेस आ देयर. तो हम तो यू नो सोच भी नहीं सकते कि हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, है ना. बट यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम लोग ड्रीमर्स हैं और हम लोग वो लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं जो एक वैल्यूज लेके चलते हैं. वो क्या वैल्यूज है जो हम जॉब में कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. जैसे फर्स्ट वैल्यू है कि हम अपने फैमिली को हम साथ में रखेंगे. अब मेरे हस्बैंड जो है आर्मी में है, हमने जिंदगी के आधी जिंदगी शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ मैंने अलग बिताई है बिकॉज उनका कमिटमेंट ही ऐसा था जॉब का कि हमें अलग रहना पड़ा. मैं नहीं बोल सकती कि आप नौकरी छोड़ दो, ही हैज टू बी देयर, है ना, क्योंकि ये जॉब का रिक्विजिट है. तो साथ में रहना, है ना, अपने हेल्थ की देखभाल करना. आजकल के आप देख रहे हैं कितने लाइफस्टाइल डिजीजेस, क्योंकि इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस है लोगों को. प्राइवेट नौकरी बोल लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट की नौकरी बोल लीजिए, बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ना, तो उसमें कई सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं. और डेट, यू नो सभी कोई चाहते हैं कि डेट फ्री लाइफ हो, बट हमारे पास इतना पैसा ही नहीं होता कि हम कोई भी चीज, बड़ी चीज, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, बच्चों के एजुकेशन हो, हमें लोन लेना ही पड़ता है. हम तो कर्जों तले दबे रहते हैं फ्रेंड्स, है ना. और कई सारी चीजें जो है, कुछ वैल्यूज है, जो प्रिंसिपल्स है, जो हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, हमारे स्कूल कॉलेजेस सिखाते, तो कभी कभी वो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज हम सोचते हैं कि कभी कभी अगर ना कॉम्प्रोमाइज करे तो हो सकता है हमें वो नौकरी से हाथ भी धोना पड़े. तो मन मार के भी हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है जो हम नहीं चाहते हैं फ्रेंड्स. और हम सब तो मतलब हमारे ड्रीम्स बचपन में कॉलेजेस में यू नो पूरी फुर्ती होती है, चुस्ती होती है कि हम बाहर निकलेंगे, हमें नौकरी मिलेगी, हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्या क्या नहीं सोचते. बढ़िया लाइफ स्टाइल होगी, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देंगे, है ना, बहुत सारा पैसा सेव करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे. बट फ्रेंड्स हम कितना ही अचीव कर पाते हैं ये हमें और आपको बहुत अच्छी तरह पता है ना. तो ड्रीम्स बहुत है
बट नौकरी से वो हार्डली पूरे होते हैं फ्रेंड्स. नौकरी से तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान ही पूरा होता है जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी जिंदगी के. अब क्या ऑप्शंस है हमारे पास, हम क्या करें बताएं, है ना. हम कितनी नौकरी करें, एक नौकरी से ज्यादा तो प्लान ए है ना. नौकरी वही हमें सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतनी बढ़िया नौकरी मिलेगी. तो यही ऑप्शन है, मुझे बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छी डिग्री, जितनी डिग्रीज आप इकट्ठा कर सकते हो उस हिसाब से आपकी काबिलियत बढ़ेगी और आपको और बढ़िया नौकरी मिल जाएगी. बट उसका एक लेवल है ना, उसका कट ऑफ है, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते. अपनी स्किल से बढ़ा सकते हो, बाकी आप क्या कर सकते हो, है ना. टाइम तो आपको फिर भी लगाना पड़ेगा. तो टाइम जो गया फ्रेंड्स, वो टाइम वापस नहीं आता है जिंदगी का. वो जो वक्त, वो जो लम्हा जो फैमिली के साथ आप गुजारना चाहते हैं, वो कभी वापस नहीं आएगा. अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो अगर नॉर्मल जो नौकरी पेशा है, अगर 40 घंटे एक हफ्ते में काम कर रहा है और एक साल में अगर वो 50 घंटे काम करता है, तो एक साल का वो 2000 घंटे वो नौकरी को दे रहा है, अपने बॉस को दे रहा है ना, जो भी वो कमा रहा है उसके एवज में. और पूरी अगर 50 साल वो काम करता है इसी तरह से, तो 1,00,000 घंटे वो अपनी जिंदगी के, फ्रेंड्स आप सोचिए, 1,00,000 घंटे है ना, ये वापस नहीं आते आपके जिंदगी के. जो कि आप यू नो, अभी पहले ऑप्शन नहीं था हमारे पास, हमें तो काम करना ही पड़ता था. बट ऑप्शन अब है हमारे पास कि ये 1,00,000 घंटे जो हम जाया कर देते हैं जिंदगी भर, 40 साल हम काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद हाथ में अब कुछ पैसा भी नहीं आता है और हेल्थ से भी जाते हैं, 40% हेल्थ लेके वापस आ जाते हैं और वो जोश और जज्बा भी नहीं रहता जिंदगी जीने का, जिंदगी काटने लगते हैं लोग और बस धुनी रमाते रहते हैं कि बस भगवान है ना, वेट करते रहते हैं. तो ऐसी जिंदगी थोड़ी ना जीनी है, एक ही जिंदगी गॉड ने दी है फ्रेंड्स. तो इस ये जो हम टाइम जाया कर रहे हैं, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसी टाइम को अपने फैमिली के लिए हम वेस्ट ना होने दे, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, फैमिली के साथ बिता सकते हैं फ्रेंड्स. वो कैसे होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एजुकेशन सिस्टम है, एक हैंड होल्डिंग है. क्योंकि प्लान ए तो सबके पास है, बट प्लान बी अब बहुत जरूरी है फ्रेंड्स. सपोज प्लान ए जो कि कमाने वाला है, जो नौकरी है हमारे पास, सपोज कुछ हो जाए इस कोविड के टाइम पे, सपोज ये कोविड का जो 2 साल का गया फ्रेंड्स, कितने लोग बेघर हो गए, पैसे से कंगाल हो गए, नौकरियां चली गई है ना, कितने फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गए फ्रेंड्स, बिकॉज उन्होंने प्लान बी नहीं सोचा था. तो बहुत जरूरी है एक साइड हसल क्रिएट करना कि प्लान बी, चाहे वो छोटा ही हो, फिर भी एटलीस्ट इमरजेंसी के टाइम पे तो काम आएगा ना. अगर हम सोचते रहे कि हमारा बैंक बैलेंस ही काफी है, बट कब तक है ना, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. सो यहाँ पे एक ऐसा कोचिंग सिस्टम है, हैंड होल्डिंग है, एजुकेशन सिस्टम है, जो कि आपको एक ब्रांड एम्बेसडर, एक इन्फ्लुएंसर बनेगा, बनने को सिखाएगा एंड आपको ये बिजनेस कैसे करना है और अपनी जिंदगी को बेहतर, प्लस लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर आप कर सकते हैं, आपको पूरा एजुकेशन सिस्टम है और सिखाता है फ्रेंड्स. अब हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग जिंदगी में है ना, पैसा मतलब जो हम काम करते हैं, हम 4 हिस्सों में डिवाइड. और ये कौन बताते हैं, एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर है जिन्होंने कई सारी किताबें फाइनेंसिस पे लिखी है, रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब, और इनका एक बहुत फेमस बिजनेस स्कूल बोल के एक किताब है. और ये बताते हैं कि 4 तरह के यू नो जॉब मतलब लोग पैसे कमा सकते हैं, 4 तरीके से, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है. वो कौन कौन से है फ्रेंड्स, फर्स्ट एम्प्लॉय क्वाड्रेंट, सेकेंड सेल्फ एम्प्लॉयड, थर्ड बिजनेस क्लास और फोर्थ इन्वेस्टर. ना एम्प्लॉय क्लास में ज्यादातर हम और आप आ जाते हैं क्योंकि हम नौकरी पेशा है, हमारे पास स्किल है, नॉलेज है, डिग्रीज है, जितना हम नॉलेज अटेन करते हैं उस हिसाब से हमें नौकरी मिलती है और सैलरी पे हमें रखा जाता है ना. बट हम टाइम लगाते हैं तभी हमें सैलरी मिलेगी. हम ये सोच ले कि आज हम नौकरी पे नहीं जाएंगे, आज से एक महीना टाइम हम अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे, तो आपको पैसा नहीं आएगा, इस धारणा में न रहे है ना. तो हमें काम पे जाना पड़ेगा, फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो नॉर्मल 10वीं 12वीं पास है ना, ज्यादा सी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको कम पैसा मिलेगा. बट टाइम दोनों को लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना. वहीं पे इसी क्वाड्रेंट से कुछ लोग सोचते हैं क्यों ना हम एक्स्ट्रा पैसा बनाए, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स है ना, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स. तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक प्राइवेट
खोल लेते हैं, एक टीचर होता है ट्यूशन क्लास ले लेता है, एक डॉक्टर होता है अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर अपना चेंबर खोल लेता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, जैसे पार्ट टाइम में काम करते हैं। जहाँ पे काम करें वहां तो उन्होंने काम करना ही है, उसके अलावा उन्होंने पार्ट टाइम में अपना प्राइवेट उन्होंने अपना खोल रखा है और यहाँ से पैसे जनरेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा। पैसा यहाँ पे जरूर है फ्रेंड्स, बट जो टाइम वो लगा रहे हैं, सपोज वो 8 से 9 घंटा एक जगह काम कर रहे हैं और यहाँ पे भी 4 घंटा काम कर रहे हैं, तो ये 13 से 14 घंटा काम कर रहे हैं दिन का, तो इनके पास फुर्सत कहाँ है और एनर्जी कहाँ है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ वो एंजॉय करें। जब तक वो घर को जाते हैं, मैं अभी भी हम लोग परसों कहीं गए थे तो मैंने देखा एक दुकानदार 12 बज रहे थे रात को और 11:45, मैंने कहा अभी तक आपने दुकान खोल रखी, बोले मैं तो 12 बजे दुकान बंद करता हूँ, तो सोच के देखिए, और सवेरे वो 9 बजे दुकान खोल लेता है, तो 9 से रात के 12 बजे तक वो काम कर रहा है, अपना दुकान खोल रखा है, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, है ना, तो पैसा किस काम का। और फ्रेंड्स आपको हैरत होगी जान के कि यहाँ पे 95% दुनिया की आबादी इन दोनों क्वाड्रेंट्स में है, एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, और पैसे के मामले में सिर्फ 5% पैसा यहाँ पे है। अब दूसरे खाने में देख ले वो कौन कौन से लोग हैं, बिजनेस बी फॉर बिजनेस। नाउ बिजनेस क्लास जो होती है वो पढ़ी लिखी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, टाइम लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ता, बट ये लोग एजुकेटेड कहलाते हैं, एजुकेटेड फाइनेंशियली एजुकेटेड। हम लोग के पास नॉलेज है फ्रेंड्स बट फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, हमें कॉलेज और स्कूल में ये नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे बनाया जाता है, हमें सिर्फ सिखाया गया कि हम गुड मैनेजर्स कैसे हों, दूसरे के नीचे हम कैसे बढ़िया तरीके से काम कर सके और दूसरे को अमीर बनाते जाए और खुद को कंगाल बनाते जाए, ये हमें सिखाया गया। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रही हूँ, कॉलेज और स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन जो चीज हमें सिखानी बहुत जरूरी है वो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, वो हम जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम वो सीखते हैं। तो ये बिजनेस क्लास पहले से ही सियानी है, उनको पता है फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे अमीर बनना है, तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्शन से इनको अपने लिए हायर करते हैं, इनको अपने लिए सैलरी पे रखते हैं, काम पे रखते हैं, इनको महीने के एंड में सैलरी देते हैं और ये इनके लिए पैसे बनाते हैं। ओके, और इनके पास टाइम ही टाइम है अपने अपना ख्याल रखने का, अपनी फैमिली का ख्याल रखने का, एंजॉय करने का जिंदगी। और जब बिजनेस क्लास के बाद बहुत पैसा आ जाता है तो डिफरेंट वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इनके लिए और पैसा बनाता है। और फ्रेंड्स दुनिया की सिर्फ 5% आबादी जो है बिजनेस और इन्वेस्टर क्लास में है, बट पैसे के मामले में आप सोचिए 95% दुनिया की वेल्थ इन दोनों क्वाड्रेंट्स में है ना, ये हैरत करने वाली बात फ्रेंड्स। तो मैंने जब ये देखा मेरा तो दिमाग घूम गया, क्योंकि ये सब बातें तो मेरे को किसी ने नहीं बताई थी पहले, ये यहाँ पे ही आके मैंने सुनी पढ़ी और देखी, मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हम नौकरी ही पैसे के लिए करते हैं, है ना, तो क्यों ना हमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन भी सिखाया जाए फ्रेंड्स। और ये बिजनेस में हमें आके ये चीज का पता चला, और जो नॉर्मल पैसा कैसे फ्लो होता है ये भी फ्रेंड्स मुझे यहीं पे आके पता चला। और जब आप सामान कोई बाजार से खरीदते हैं है ना, तो उसकी जो कीमत होती है सपोज वो 30 रुपए की होती है, कोई भी सामान आपने जब खरीदा तो आपके पास वो 100 रुपए की आती है। फ्रेंड्स कभी सोचा है, ये मुझे नहीं पता था क्योंकि मुझे मतलब बताया ही नहीं, ना मैंने कभी सोचा कि पूछना भी चाहिए, है ना, बट यहाँ पे आके मुझे पता चला कि 30 रुपए का सामान आपको 100 रुपए में मिल रहा है और 70 रुपए जो बीच का है, जो 70 रुपए वो मिडलमैन मार्केट को जा रहा है, जैसे होलसेलर्स को जा रहा है, जॉब एडवर्टाइजर्स को जा रहा है, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स को जा रहा है, और बीच के मिडलमैन मार्केट से होते होते वो सामान आपके पास 100 रुपए में आ रहा है। 70% पैसा जो है आपका जिंदगी भर, क्योंकि कोई भी सामान आप मार्केट से ही खरीदते हैं, है ना, और 70% आपका ये मिडिल मैन मार्केट को जाता था, जाता है और जाता रहेगा। फ्रेंड्स मेरा तो दिमाग घूम गया, मैंने कहा यही तो मैं मतलब आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि 100 रुपए में 70 रुपए, है ना, आप 100 रुपए
खर्च कर रहे हो तो 70 रुपए आप किसी और को दे रहे हो, जॉबर्स एंड एडवर्टाइजर्स को दे रहे हो, कौन लगता है ये आपके? कोई नहीं। बट क्योंकि हमें मार्केट से तो लिंक होना ही है, 1000 में 700, 1 लाख में 70 हजार, 1 करोड़ में 70 लाख, मतलब 3/4 आपकी जिंदगी भर की कमाई जो आप अपने फैमिली से दूर रह के कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने बच्चों का मन मार के अपनी फैमिली का मन मार के, है ना, ये पैसा आप किसी और को देते जा रहे हो, उनको अमीर बनाते जा रहे हो और खुद की फैमिली को आप कंगाल बनाते जा रहे हो, ये मेरे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, है ना फ्रेंड्स। तो अब हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे ये बोलता है कि जो मिडिल मैन मार्केट है इसको हम हटा देते हैं और सीधा जो आपको, क्योंकि यहाँ पे दो ही लोग इम्पोर्टेंट है, एक तो बनाने वाला और एक यूज करने वाला। बनाने वाला कौन है? फैक्ट्री जहाँ पे बनता है। यूज करने वाले कौन है? हमारा। और जो बीच का मिडिल मैन मार्केट है इसको हम हटा देते हैं और जो 70% पैसा जो मिडिल मैन को जा रहा था वो अब आपके पास आएगा। बनेगा, ये तो बहुत सेंसिबल बात है जो मेरे मेंटोर ने मेरे से ये बात की, है ना, ये तो बहुत सेंसिबल है ना। तो मेरे बोला यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जो भी चीज अच्छी लगती है आप लोगों में शेयर करते हैं। आपने कहीं से सूट सिलवाया टेलर से और आपके फ्रेंड ने पूछा कि आपने कहा बहुत खूबसूरत सूट, फिटिंग बहुत अच्छी है, तो आप क्या करते हो, टेलर को आप एडवर्टाइज करते हो कि मैंने यहाँ से सूट स्टिच कराया। आप मिठाई कहीं से खरीद के लाते हैं, है ना, यहाँ पे उधमपुर में जम्मू में पहलवान स्वीट्स है, है ना, तो हम भी यही बोलते हैं पहलवान की दुकान में ये बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, है ना, नमकीन बहुत अच्छा। तो हमने क्या किया, क्या पहलवान वाले ने हमें कुछ इन रिटर्न दिया? नहीं दिया। हम लोगों में शेयर करते हैं क्योंकि हम उनको उनके अपने फ्रेंड्स के बारे में, क्यों, क्योंकि जो हमें अच्छी लगती है हम भी चाहते हैं कि वही चीज, अच्छी चीज उनको भी मिले। तो दिस इज केयरिंग। तो यहाँ पे भी आपने केयरिंग और शेयरिंग करनी है। इससे अगर आपका एक एसेट बनता है जो आपके 3 generations से 4 generations तक आपको संभाले रखे, आपको कभी चिंता ना हो कि पैसा कहाँ से आएगा, टाइम का क्या मोल होगा, यू नो, आपको फैमिली के साथ टाइम बिताने का बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं अगर आपको इन रिटर्न मिले, तो क्या ये ठीक है? जब मेरे मेंटोर ने मेरे से बोला, मैंने कहा सर इससे बेहतर तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है, बताइए क्या करना है। तो फ्रेंड्स आजकल लोग क्या देख रहे हैं, जनरली पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, वेलनेस। कोविड के बाद से लोग बहुत अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो गए, एंड आपको पता ही है जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू तो एकदम जीरो ही होती है फ्रेंड्स। तो हमारी बॉडी क्या है, बहुत बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस है, धीरे धीरे हमारी बॉडी भी डिग्रेड होती जा रही है, है ना। सो एवरीथिंग इज लुकिंग फॉर हेल्थ एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। ब्यूटी किसको खूबसूरत नहीं लगना है, सबको। सो हेल्दी कुकिंग, यू नो, सबको अपना जो वेट शेड करना है, दे वांट टू बी, यू नो, इन प्रॉपर फॉर्म एंड प्रॉपर, मतलब खूबसूरत दिखना, शरीर को खूबसूरत रखना, बालों को खूबसूरत रखना, प्लस पर्यावरण को, है ना, फ्री पोल्यूशन फ्री रखना, सब कोई चाहता है। पीपल आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस और हमारे पास इस बिजनेस के थ्रू ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रेंड्स। नाउ आई वुड वेरी प्राउडली अनाउंस जिसके बारे में बात करी थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो है Amway वर्जन 3.0। फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू क्लैप फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन जो कि 61.3 बिलियन इसने बोनसेस और इंसेंटिव्स दे दिए हैं, 110 देशों में पिछले 62 साल से काम कर रही है, जिस देश में गई वही वहां से वापस नहीं आई, 175 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया में है और 450 से ज्यादा वर्ल्ड ओवर में है, 1200 से ज्यादा पेटेंट्स है, अपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, अपने फार्म्स है, सीड टू सप्लीमेंट इनका पूरा कल्टिवेशन है फ्रेंड्स, इतना बेहतर इको फ्रेंडली सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एंड फ्रेंड्स इससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन मेरा पर्सनल ये है कि अपने घर से अगर केमिकल्स निकल जाए इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, बिकॉज हम लोग सब ऑर्गेनिक की तरफ देख रहे हैं कि हर चीज हमें ऑर्गेनिक। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रही है हमारे सामान यूज करें, आपका घर ही खुशहाल नहीं होगा, आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, आपके फाइनेंसेस भी बढ़िया रहेंगे, आप अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे और आप सोसाइटी को भी बढ़िया तरीके से सर्व करेंगे। एंड फ्रेंड्स ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट रेंज में,
हेल्थ एंड वेलनेस में न्यूट्रलाइट नंबर वन है और आई वुड थैंक न्यूट्रलाइट कि हमारे परिवार को भी इसने इतना बढ़िया तरीके से हेल्थ दे रखा है कि हमें पिछले 8 साल से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, जबकि हम आज पड़ोस में देखते हैं कि किसी का पेट दुख रहा है, किसी का पैर खराब है, किसी को मसल प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, बाल गिर रहे हैं, मतलब ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट थैंक गॉड न्यूट्रलाइट इज इन आवर लाइफ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का नंबर टॉप 5 ब्रांड्स में आता है, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर एंड कुकवेयर एम्प्लीफायर। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी फ्रेंड्स, एंड दीज आर द वंडरफुल वंडरफुल जो हमारे रेंज है, अराउंड 175 प्लस प्रोडक्ट्स है। ये हमारे मेंटर्स है फ्रेंड्स, पहले मैं सोचती थी कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है फ्रेंड्स, बट यहाँ पे जब अपने मेंटर्स में मुलाकात किया, पहले है नासा के साइंटिस्ट सतीश रेड्डी साहब, नेक्स्ट है डॉक्टर हॉल न्यूबॉल जो कि यू नो नोबेल प्राइज नॉमिनी, नेक्स्ट पुलिन एंड मीना देसाई सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। आप सोच के देखिए ये सारे इस बिजनेस में महाकरोड़पति है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन की वाइफ स्टाफ नर्स, नीचे आशुतोष रस्तोगी और उनकी वाइफ ये फिजिसिस्ट, नेक्स्ट डॉक्टर एक गवर्नमेंट टीचर मांगट साहब, ये हमारे डायमंड जम्मू के पहले डायमंड फानी साहब एंड परवीन अख्तर मैम, ये इंजीनियर फ्रॉम रिटायर हुए जिन के गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे मेंटोर के मेंटोर एमपी सिंह साहब एंड देविंदर मैम अमृतसर से। माई गॉड, मैंने जब इन लोगों के क्रेडेंशियल्स देखा तो मैंने कहा जब इन लोगों को जरूरत है, इतने पढ़े लिखे लोग और एक सिंपल इलेक्ट्रिशियन और एक टीचर जब ये बिजनेस कर गया, तो मेरे में कहीं ना कहीं मेरे को भी जरूरत है फ्रेंड्स इस बिजनेस को करने का, मैं भी कहीं फिट इन हो जाऊंगी। और इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए, इतना डेमोक्रेटिक है ये बिजनेस कि सबको गले लगाता है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको एक जज्बा चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। इस बिजनेस में जिसका गट्स है वही आ सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज इस बिजनेस को प्यार करना होता है, दिल से करना होता है, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। एंड करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 पावर्स मिलेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। पहला पावर है आपको अपना सामान जो आप बाजार से लेते थे, जो भी घर का रोजमर्रे का महीने का आपका जो सामान है, आपने अब बाजार से कट ऑफ होना है और आप वैसे जुड़ना है। वंडरफुल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एक गुरुकुल है ब्रिट वर्ल्डवाइड जो आपको सिखाएगा कि इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है थ्रू ऑडियोस, वीडियोस, बुक्स एंड मीटिंग्स, और धीरे धीरे आपका कंज्यूमर फोरम बनेगा। एंड सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट है वो है आपका टाइम, एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि हमारे अपलाइन असलम अंसारी सर एंड शनाज मैम है जो हमारी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ग्रूमिंग कर रहे हैं, एक एक स्टेप बताते हैं कि इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है और कैसे हम इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जब आप इन 3 पावर्स को इन तीन पावर्स से आप जुड़ते हैं और इनको गले लगाते हैं, तब आप इस बिजनेस में तरक्की करते हैं और धीरे धीरे आपका बिजनेस आगे बढ़ता है फ्रेंड्स। और पैसा कहाँ से आता है ये देख लेते हैं। जब आप सामान खरीदते हैं तो होलसेल रेट पे 5% डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट 6% एंड एक और कस्टमर इंसेंटिव आता है जो 5% है फ्रेंड्स, 10% से 5% हो गया है। और यहाँ पे एक मनी बैक गारंटी है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर आपने सामान यूज किया, 30% यूज करके आप उसको वापस करें, आपको पसंद नहीं आया, तो आपको जीएसटी काट के आपका पैसा वापस हो जाएगा फ्रेंड्स। कहीं आपको ऐसा किसी ने दिया है ये गारंटी कि आप सामान यूज करके आप वापस करके पैसा ले जाए? मुझे तो नहीं दिया फ्रेंड्स। एंड इसके अलावा एक और तरीके से आप पैसा बना सकते हैं, जब आप अपनी टीम के साथ मिलके बिजनेस करते हैं। टीम कैसे बनेगी उसकी चिंता नहीं करनी है फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे एक गुरुकुल है जो आपको हेल्प करेगा टीम बनाने में, है ना? तो आपको पहले फेथ दिखाना है, इसमें जुड़ना है एंड इसको समझना है, सीखना है, टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और डिफरेंट पिन लेवल्स है और एक बहुत रिकॉग्नाइजेबल पिन होता है जिसको हम 15% बोलते हैं, जब आप ब्रॉन्ज पिन भी बोलते हैं, जब आप 4 लाख का बिजनेस करते हैं अपनी टीम के साथ। और यहाँ पे एक बहुत हैंडसम इनकम जनरेट करते हैं पार्ट टाइम में, 40,000 से आप 60,000 तक यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रक्चर। और उसके बाद जब आप 10 लाख का बिजनेस करते हैं अपनी टीम के साथ मिलके, तब आप सिल्वर प्रोड्यूसर कहलाते हैं और 21% भी बोलते हैं इसको। और ये एक आप सोच के देखिए, पार्ट टाइम में इसको बिल्ड कर रहे हैं, अपनी नौकरी को बिना
छेड़े हुए है ना, थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा इसमें लॉयल्टी दिखा के अगर साइड से 1,00,000 इनकम आने लगे तो आपके कितने ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं फ्रेंड्स, आपके कितने ही डेट्स, कितने ही लोन, कितने ही खर्चे यहाँ से निकल आ सकते हैं। और करना क्या है, केयरिंग और शेयरिंग, बस सिर्फ इतना सा काम करना है। हम अपने बॉस के आगे पीछे जो बॉस कहता है नौकरी में, हम पूरी जिंदगी गुजार देते हैं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। यहाँ पे आपका जो हैंड होल्डिंग आपको मेंटोर करेगा एंड सब कुछ आपका अपलाइन है, आपका मेंटोर है, यहाँ पे हैंड होल्डिंग है, आपकी टीम है, मतलब यू हैव फुल सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग, और साइड से आप 1,00,000 इनकम, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील फ्रेंड्स, है ना। इसी सिल्वर लेवल को जब आप 3 महीना मेंटेन करते हैं तब आप गोल्ड प्रोड्यूसर होते हैं, और इसी लेवल को जब आप 6 महीने मेंटेन करते हैं तब आप प्लैटिनम होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आप 9 से 10 लाख एनुअली जनरेट कर रहे होते हैं, यहाँ से आपके फॉरेन ट्रिप्स भी शुरू होते हैं। जब आप इसी 10 लाख के बिजनेस को 1 साल मेंटेन करते हैं तब आप फाउंडर्स प्लैटिनम होते हैं। वी आर लकी, वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारे जो मेंटोर हैं असलम अंसारी सर इसी लेवल पे हैं, और अभी लास्ट ईयर दिसंबर में वो टर्की अंटालिया होके आए हैं एंड 5-स्टार होटल में रहे वहां पे रेगनम कारिया। फ्रेंड्स आप सोच के देखिए, एक नौकरी पेशा आदमी चाहे कितना भी बढ़िया कमा रहा हो फिर भी वो सोच नहीं सकता 5-स्टार होटल में 1 हफ्ता बिता के आने का, है ना, नहीं सोच सकता। वो पहली बजटिंग करने लगता है कि ये हमारा बजट है, इसमें हम देखते हैं कौन सा बढ़िया होटल रहेगा, है ना। बट यहाँ पे आपको कंपनी नवाजती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इतना हार्डवर्क किया है। जब आप अपनी टीम में 3 प्लैटिनम्स, 3 फैमिलीज को 1-1,00,000 रुपए बनाना सिखा देते हैं तब आप एमरल्ड होते हैं, और यहाँ पे आप एनुअल पैकेज 30+ लाख ले रहे होते हैं। एंड यहाँ बताते हैं कि यू नीड 3 टू बी फ्री, क्योंकि यहाँ से आपकी रॉयल्टी इनकम भी जनरेट होने लगती है, एंड दिस इज जस्ट एन ऑसम लेवल फ्रेंड्स। जब आप अपनी टीम में 6 प्लैटिनम्स, 6 फैमिलीज को 1-1,00,000 अपने जैसे डुप्लीकेट करते हैं तब आप डायमंड होते हैं, और यहाँ पे आप 70+ लाख जनरेट कर रहे होते हैं। एंड ये कम नहीं होता फ्रेंड्स, ये बढ़ता ही रहता है, परमानेंट अनलिमिटेड ऑन गोइंग इनकम, मतलब रेकरिंग इनकम। आपको सोचना नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आएगा अगले महीने, कि काम पे जाना है या नहीं, ये नहीं सोचना पड़ता। आपके पास क्वालिटी टाइम है, टाइम फ्रीडम है अपनी फैमिली के साथ बिताने का, मनी फ्रीडम है, आपको सोचना ही। अभी स्कूल खुलेंगे, ओ माय गॉड, फिर से वही स्कूल, फिर से वही रूटीन, फिर से वही बॉस, सब कुछ वही है ना, बट फिर भी हम मन मार के जाते हैं। बट यहाँ पे वंस यू रीच दिस लेवल तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे के लिए नहीं काम करते, पैसा आपके लिए काम करता है। अब आप एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से बिजनेस क्वाड्रेंट में आ गए हैं, आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप एसेट होते हैं देश के लिए, आप टैक्स पेयर्स, यू नो, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स में से गिने जाते हैं, आप वंडरफुल लाइफस्टाइल, लोगों के लिए आप हीरो होते हैं, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए आइडल होते हैं। कहाँ शाहरुख खान बच्चे अपना फादर और मदर उनके लिए हीरो हीरोइन है, है ना, कितने गर्व की बात है, बच्चे आपको आइडलाइज करें, है ना। एंड दिस इज जस्ट एन ऑसम लाइफस्टाइल फ्रेंड्स। इसी लाइफस्टाइल को पाने के लिए हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं एंड विल श्योरली अचीव इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यही बोलना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटी सिर्फ जिंदगी में एक ही बार आती है फ्रेंड्स, ज्यादा सोचने में वक्त न गवाएं, है ना, डिसीशन जल्दी लें, उसको ग्रैब करें, बिकॉज उन्हीं लोगों के पास ये बिजनेस आता है जिनके पास गॉड की ब्लेसिंग हो। बहुत फॉर्चुनेट लोग होते हैं, सबके पास नहीं आता, सबको समझ भी नहीं आता है। सो जस्ट ग्रैब दिस बिजनेस एंड थैंक जिन्होंने भी आपको बुलाया है, जिन्होंने ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई है। सो दैट वॉज फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।